नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 26 नवंबर 2008 की वो खूनी रात भारत कभी नहीं भूल सकता है, जिसका जिक्र होते ही रूह कांप जाती है। मुंबई के 26/11 हमले को आज 13 साल पूरे हो गए हैं। इस रात का खौफ किसी के दिलों में अभी तक नहीं गया है, किसी के घाव अभी तक नहीं भरे हैं, सभी के घाव अभी तक हरे हैं। जब पाकिस्तान ने 10 आतंकी भेजे और उन्होंने 174 लोगों को बड़ी निर्ममता से मार डाला था, 300 से अधिक लोग घायल हुए थे, और क्या कुछ हुआ था, जानिए इस रिपोर्ट में। मुंबई के 26/11 हमले को आज 13 साल पूरे हो गए हैं। ये भारत के इतिहास का वो काला दिन है जहां साल 2008 में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर एक आतंकी हमला हुआ था। इस हमले ने भारत समेत पूरी दुनिया को दहला के रख दिया था। यानी 26 नवंबर 2008 को लश्करे तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। देखा जाए तो करीब 60 घंटे तक मुंबई बंधक बन चुकी थी। हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। मुंबई हमले को याद करके आज भी लोगों का दिल दहल उठता है। आतंकियों ने इस हमले में मुंबई की शान ताज होटल, होटल ट्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, नरीमैन पॉइंट, चाबड़ हाउस, कामा अस्पताल, लियोपार्ड कैफे और मेट्रो सिनेमा को निशाना बनाया था। अपने खतरनाक मंसूबों को पूरा करने के लिए उन्होंने उन जगहों को चुना था जहां पर भीड़ होती है और जो मुंबई की पहचान थी। मुंबई हमलों की छानबीन से पता चला है कि 10 आतंकी समुद्र के रास्ते से नाव पर भारत की माया नगरी मुंबई में घुसे थे। ये आतंकी खतरनाक हथियारों से लैस थे। ये सभी आतंकी 23 नवंबर की रात को पाकिस्तान के कराची शहर से एक बोट से निकले थे। भारतीय समुद्री सीमा में दाखिल होने के बाद उन्होंने एक नाव को हथिया लिया। इस नाव पर 4 भारतीय सवार थे, जिन्हें किनारे तक पहुंचते पहुंचते खत्म कर दिया गया। रात के तकरीबन 8 बजे थे जब ये हमलावर कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरे। वहां से वो 6 अलग अलग ग्रुपों में बट गए और टैक्सी लेकर अपनी मंजिलों का रुख किया। बताया जाता है कि इन लोगों की आपाधापी को देखकर कुछ मछुआरों को शक भी हुआ और उन्होंने पुलिस को जानकारी भी दी, लेकिन इलाके की पुलिस ने इस पर कोई खासा तवज्जो नहीं दी और ना ही आगे बड़े अधिकारियों या खुफिया बलों को जानकारी दी। रात के तकरीबन 9:30 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। मुंबई के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के मेन हॉल में 2 हमलावर घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसमें एक मोहम्मद अजमल कसाब था, जिसे अब फांसी दी जा चुकी है। कसाब के दोनों हाथों में AK-47 राइफलें थी और 15 मिनट में ही उन्होंने 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 109 लोगों को जख्मी कर दिया। यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में खूंखार आतंकी अजमल कसाब कैद हुआ था और पूरी दुनिया की मीडिया में कसाब के हाथों में AK-47 लिए हुए फोटो प्रकाशित हुई थी। आपको बता दें कि यहां पर ही कसाब को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने वाली मुंबई की देविका रोटावन भी शामिल थी, जिसने खूंखार कसाब को गोलियां चलाते अपनी आंखों के सामने देखा था। उसके पांव में भी गोली लगी थी। वो उस वक्त महज 8 साल की थी। इसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया था। देविका की गवाही पर कसाब को पुणे की यरवदा जेल में 21 नवंबर 2012 को उसके गुनाहों की सजा देते हुए फांसी दे दी गई थी। आतंक का ये खेल सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक ही सीमित नहीं था,
दक्षिणी मुंबई का लियोपोर्ट कैफे भी उन चंद जगहों में से एक था जो तीन दिन तक चले इस हमले के शुरुआती निशाने पर था। लियोपोल्ड कैफे मुंबई के नामचीन रेस्तरां में से एक है, इसलिए वहां हुई गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे, जबकि बहुत से घायल भी हुए थे। 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे लियोपोल्ड कैफे की दीवारों में धसी गोलियां हमले की निशानी छोड़ गई। वो वहीं विरे पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ाने की खबर मिली, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया। तो इससे 15-20 मिनट पहले बोरी बंदर में इस तरह के धमाके में एक टैक्सी ड्राइवर और दो यात्रियों की जानें भी जा चुकी थी, तकरीबन 15 घायल भी हुए थे। इसके बाद उन्होंने एक टैक्सी में धमाका कर 5 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। कसाब ने शिवाजी टर्मिनल में खूनी खेल खेलने के बाद कामा अस्पताल का रुख किया था। यहां पर कई पुलिस अधिकारियों की जान चली गई थी। बाद में इन्होंने एक पुलिस वैन पर कब्जा किया और सड़क किनारे मौजूद लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इसकी फुटेज को टीवी पर करोड़ों लोगों ने देखा था, हालांकि बाद में आगे खड़े पुलिसकर्मियों ने इस वैन को रोक लिया था। इन पुलिसकर्मियों में मौजूदा थे IAS तुकाराम ओम्बले। उन्होंने कसाब को निहत्थे ही इतना कसकर पकड़ा कि वह उनकी पकड़ से निकल ही नहीं सका, हालांकि इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। बता दें कि कसाब इस हमले का एकमात्र ऐसा आतंकी था जिसको जिंदा पकड़ा गया था। लेकिन आतंक की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 26/11 के हमले में आतंकियों के तीन बड़े मोर्चे थे, मुंबई का ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट और नरीमैन हाउस। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं बाद में हमलों की पहचान बन गया, जो आज भी लोगों के दिलों दिमाग में छाया हुआ है। जी हाँ, आतंकियों के एक ग्रुप ने ताज और ओबरॉय होटल का रुख किया था। ताज होटल में आतंकियों ने जबरदस्त तबाही मचाई थी। जब हमला हुआ तो यहाँ कई लोग डिनर कर रहे थे, उनके सामने जो आया उन्होंने उसको गोलियों से भून दिया था। ताज होटल में लगे CCTV कैमरे में इन आतंकियों का खूनी खेल कैद हुआ था, जिसमें लोगों के चेहरे पर दहशत के वो पल साफ देखे जा रहे थे। यहाँ पर बाद में स्पेशल कमांडो ने मोर्चा संभाला। इसके अलावा चाबड़ हाउस के लिए एक NSG कमांडो की टीम भेजी गई, जो कि हेलीकॉप्टर से इमारत पर उतरे इन कमांडो को भी पूरी दुनिया ने TV पर देखा था। लगातार दोनों ही तरफ से गोलियां चल रही थी, लेकिन बाद में केंद्र की तरफ से इस ऑपरेशन की लाइव फुटेज दिखाने पर रोक लगा दी गई थी। ताज होटल में कमांडो ने कार्रवाई के दौरान कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था, वहीं चाबड़ हाउस के आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। ताज होटल से भी आतंकियों का सफाया कर दिया गया था। बाद में एक एक कर सुरक्षा कर्मियों और कमांडोस ताज होटल समेत सभी दूसरी जगहों को सुरक्षित करार दे दिया। ताज होटल के बाद हमलावर ओबरॉय पर हमला कर दिया था। इस होटल में हमलावर ढेर सारे बारूद लेकर घुसे थे। माना जाता है कि 300 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हमलावरों ने कई लोगों को बंधक भी बना लिया था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों ने दोनों हमलावरों को मार दिया, लेकिन तब तक 32 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। हमले की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर आई कि ताज से सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा तो पता चला हमलावरों ने कुछ और लोगों को भी अभी बंधक बना के रखा है, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल है। हमलों के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स, मैरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो से घिरे रहे। एक तो NSG कमांडो के देर से पहुंचने के लिए सुरक्षा तंत्र की खिंचाई हुई, तो हमलों की लाइव मीडिया कवरेज ने भी आतंकियों की खासी मदद की। कहां क्या हो रहा है सब उन्हें अंदर टीवी पर दिख रहा था। 3 दिन तक सुरक्षा बल आतंकियों से जूझते रहे। इस दौरान धमाके हुए, आग लगी, गोलियां भी चली और बंधकों को लेकर उम्मीदें भी टूटती जुड़ती रही। और न सिर्फ भारत से,
सवा अरब लोगों ने बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज ओबरॉय और नरीमन हाउस पर टिकी रही। हमले के वक्त ताज में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर यूरोपीय संघ की सदस्यीय समिति के कई सदस्य भी शामिल थे। हालांकि इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमले की जब शुरुआत हुई तो यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद करीम ताज की लॉबी में थे, तो जर्मन सांसद एरिका मान को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपना पड़ा। ओबरॉय में मौजूद लोगों में भी कई जाने माने लोग थे। इनमें भारतीय सांसद एनएन कृष्णदास भी शामिल थे, जो ब्रिटेन के जाने माने कारोबारी सर गुलाम नून के साथ डिनर कर रहे थे। उधर दो हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन पॉइंट को भी कब्जे में ले रखा था, जहां कई लोगों को बंधक बनाया गया था। यहां पर हमलावरों से निपटने के लिए एनएसजी कमांडो को हेलीकॉप्टर से बजल वाली इमारत में उतरना पड़ा। फिर एनएसजी के कमांडोज ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों तक चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया, लेकिन एक एनएसजी कमांडो की भी जान चली गई। हमलावरों ने इससे पहले ही रबी ग्रेवियल होल्टर्सबर्ग और 6 महीने की उनकी गर्भवती पत्नी रिफ्पा होल्टर्सबर्ग समेत कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में सुरक्षा बलों को वहां से कुल 6 बंधकों की लाशें मिली। नरीमन हाउस में एक आतंकियों ने दूसरे गुट पर हमला कर दिया था। यहां पर उन्होंने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसी चाबड़ हाउस में एक बच्चा मोशे तजवी को घर में काम करने वाली एक सहायक ने बचा लिया था। बाद में इस बच्चे को इसके परिजनों के पास इजराइल पहुंचा दिया था। इजराइल की यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बच्चे से मुलाकात भी की थी। मुंबई हमले के समय उसकी उम्र महज 2 वर्ष की थी। 2019 की 26/11 की बरसी पर पीएम मोदी ने उसको एक पत्र भी लिखा था। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावरों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस के गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन लगभग 160 से ज्यादा लोगों की जानें भी जा चुकी थी। तीन दिन तक सुरक्षा बल आतंकवादियों से लड़ते रहे और साथ ही इस दौरान धमाके भी हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों से लेकर उम्मीद टूटती और जुड़ती रही। खौफ और खून खराबे के बीच 60 घंटे कैसे बीते, ये बहुत ही दर्दनाक मंजर था। जहन में आज भी लोगों के जो उस वक्त की यादें हैं वो अभी भी ताजा हैं। जो दर्द है वो भी अभी मिटा नहीं है। वो 60 घंटे शायद ही लोग कभी भूल पाए। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।